कि ये जो दादी है ना, इस पूरे एरिए में, चाहे वो बढ़नी, देवरिया, मनोहरापुर हो या रसूलपुर, सोहेलवा, सुरजी, ये लहरौली, भगवानपुर, बदौला चौराहा, सब लोग भाई दादी को जानते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बढ़नी, एक दादी का होटल है। दादी का होटल बोले तो 20-25 साल से होगा सुरज भाई, 25-30 साल से तो होगा, लेकिन रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं। अगर मैं दादी कहूँगा तो मुझे गाली भी देगी। सतवे कह रहे हो भाई, तो अगर दादी गाली भी देगी तब भी टुकड़ डालूंगा। समझ लीजिए कि दादी का आशीर्वाद है। क्यों सुरज भाई, अभी अगर मैं दादी कहूँगा तो बहुत गाली देगी, लेकिन भाभी कहूँगा तो कुछ नहीं मुझे कहेगी। सूरज की रियलिटी में दादी लगती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दादी के होटल पर और अभी आपको दिखाते हैं। यह है दादी का होटल, जो कि बढ़नी APG डॉक्टर अब्दुल कलाम के गेट के सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। यह है इंटर कॉलेज, इसी के जस्ट सामने दादी का होटल है। दादी होटल पे तो नहीं है भाई, लगता है कहीं पर गई हैं। दादी कहाँ पर गई बाबू, दादी कहाँ पर गई, अभी आ रही हैं? अच्छा ठीक है। और दादी का भाई दुकान ये है, जो कि चुटपुट चलता रहता है, बाकी कस्टमर जो हैं चल जाते हैं बड़े होटल पर, लेकिन हम लोग अक्सर कहीं भी आते हैं, यहाँ पर अगर आते हैं तो हम दादी के होटल पर आते हैं। क्यों सूरज भाई, सही है, यही अच्छा भी लगता है। हम लोग अक्सर भाई अगर चाय पीते आते हैं तो दादी के होटल पर आते हैं। भाभी नमस्ते। दादी कहें कि भाभी कहें? दादी कहा, भाभी कहें? तो भाई दादी नहीं है, मेरी भाभी हैं और सूरज भाई की दादी हैं। अच्छा, सूरज की दादी है, मेरी भाभी हैं। और दादी अपना मिठाई भी खिलाओ, चाय भी पिलाओ ना दादी। तो भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दादी के दुकान पर ज़रूर आएं। और ये देख सकते हैं दादी का पेड़ा है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर एक बार आप खाएंगे ना तो मेरा अंदाज़ा है कि आप बार बार आएंगे। क्यों सूरज भाई, सही, बहुत अच्छा भाई पेड़ा है दादी का। तो हम लोग भाई दादी का पेड़ा खा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार दादी के होटल पर आने का आकर्ष जरूर करें, बहुत ही प्यारा होटल है दादी का। बड़ा खा चुके हैं, चलते हैं चाय पीते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट टाइम में हम जिस भाभी के होटल पर, यानी दादी के होटल पर चाय पी रहे हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मोस्टली लगभग 1000 सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो इस भाभी को जानते होंगे, है ना सूरज भाई? क्योंकि ये जो दादी है ना, इस पूरे एरिए में, चाहे वो बढ़नी, देवरिया, मनोहरापुर हो या रसूलपुर, सोहेलवा, सुरजी, ये लहरौली, भगवानपुर, बदौला चौराहा, सब लोग भाई दादी को जानते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है भाई, एक बार दादी के होटल पर आने का कष्ट करें, ज़रूर एक बार अवसर दे दादी को अपने चाय का और पेड़े का। तब दादी हम लोग जाएं, हम लोग जाएं तब। दादी के होटल से निकल दिए हैं और दादी भाई मुझे बहुत गाली भी दी। मैंने कहा था पहले आपको भाई मुझे दादी गाली देगी, अब मैं यूट्यूब पर डालूंगा। भाई मैं दादी का जो है गाली आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेता हूं, दादी को कुछ नहीं कहता हूं। और उसके बाद जो दादी को जानता है वो कमेंट करके बताए भाई। मोस्टली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर होंगे लगभग 1000 सब्सक्राइबर प्लस होंगे जो दादी को जानते होंगे। तो गाइस फाइनली दादी के होटल से आ चुके हैं और आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।